ओम गणेशाय नमः। कलंक चतुर्थी को ऐसा क्या हो गया था जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। जब चतुर्थी का चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया था तो लगा था उन पर चोरी का आरोप। पौराणिक कथा के अनुसार जो भी मनुष्य इस दिन चंद्र के दर्शन कर लेता है उस पर किसी न किसी रूप में अवश्य ही कलंक लगता है। भगवान गणेश सौभाग्य बुद्धि समृद्धि की देवता हैं। गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव भी शुरू हो जाता है और 10 दिन तक लोग घरों में गणेश जी की पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश जी का विसर्जन धूमधाम से मनाया जाता है। कलंक चतुर्थी के दिन थोड़ा सतर्क रहें और अगर गलती से आपने चंद्र दर्शन कर लिए हैं तो आप स्वयं मन तक मणि चोरी की कथा आदरपूर्वक सुने। पौराणिक कलंक चतुर्थी की कथा इस प्रकार है। द्वारका नगरी में सत्रजीत नामक एक जमींदार रहता था। भगवान सूर्य देव का वह अनन्य भक्त था। भगवान सूर्य ने उन्हें प्रसन्न होकर नित्य 8 भार सोना देने वाली सयमंतक नामक मणि भेंट में दी, जिससे वह अत्यधिक अभिमानी बन गया। भगवान कृष्ण ने उससे मणि लेने की इच्छा व्यक्त की, पर सत्रजीत ने वह मणि अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन वह मणि धारण कर जंगल में शिकार पर गया। तब वहां एक शेर ने उसे मार डाला। तब उसके परिवारजनों ने श्री कृष्ण पर उसे मारने तथा मणि लेने का झूठा आरोप लगा दिया। पर मणि शेर के पास थी, लेकिन रीछों के राजा जामवंत जी ने सिंह का वध करके वह मणि ले ली थी। जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नजीत और उस मणि को ढूंढने वन में गए तो उन्हें वहां प्रसन्नजीत का शव, सिंह का सिर और पैरों के निशान मिले। वहीं पर गुफा के बाहर उन्होंने जामवंत की पुत्री को मणि से खेलते देखा। तब जामवंत ने सारी कथा श्री कृष्ण को बताई और अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे कर दिया और मणि भी दे दी। फिर सभी ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की। ये कलंक उन्हें सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने भादव माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था, इसलिए भूल से भी इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। ओम गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे।